Alright, so very good evening to all of you. This is Chrome Advisor. Welcome to another short video. आज के वीडियो में बात करेंगे अबाउट द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दैट वी हैव गॉट ऑन दिस ब्यूटिफुल मशीन. तो इसमें जो हमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है ना, विच इज़ क्वाइट बेसिक, क्वाइट क्लीन, ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलते, बट जो मिलते हैं, जितने मिलते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. जो अपेयरेंस है काफ़ी बेसिक्स है, एंड हमें दो यहाँ बटन्स मिल जाते हैं एंड हमें यहाँ चार आइकन्स मिलते हैं. ये आइकन्स क्या हैं, इनका क्या यूज़ है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो गाड़ी का इग्निशन ऑन करने के बाद, आई मीन किल स्विच ऑन करने के बाद, अभी ऑफ है, ऑन करते हैं. तो ऑन करने के बाद से दो लाइट ब्लिंक्स होती हैं. तो पहला लाइट जो ब्लिंक कर रहा है ये है साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर का. ये वाला लाइट ग्लो करता है, विच मीन्स कि साइड स्टैंड आपका लगा हुआ है, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी. एक्सट्रीम राइट में जो लाइट है ना, ये है इंजन मैल फंक्शनिंग का, विच मीन्स कि गाड़ी में अगर कोई गड़बड़ होती है, कोई यू नो वायरिंग का इशू हो या फिर कोई भी इशू है, तो ये लाइट जल जाएगा. ये आपको इंडिकेट करता है कि गाड़ी में यू नो कुछ प्रॉब्लम है, आपको यू नो सर्विस सेंटर विजिट करना होगा उस चीज़ को यू नो टेक करने के लिए. जैसे आप गाड़ी ऑन करोगे ये कुछ सेकंड्स के लिए जलता है एंड वापस से ये ऑफ हो जाता है. एंड ये ग्रीन वाला तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इट्स न्यूट्रल. एंड ये वाला जो लाइट है ना, ABS का लाइट है. जैसे ही गाड़ी यू नो 5 के ऊपर जाती है, 5 या 10 km/h के ऊपर जाती है, ये वाला जो लाइट है ये ऑफ हो जाता है, विच मीन्स कि आपका जो ABS है वो इंगेज हो चुका है. एंड जो फाइनल लाइट हमें मिलता है वो मिलता है ये वाला लाइट मिलता है, विच मीन्स कि आपका जो पास स्विच है, जहाँ पर यू नो रात में गाड़ी को चलाते हो लाइक दिस, ये आपका हेडलाइट ऑन हो जाएगा इससे. ऑल राइट, तो ये आपका हेडलाइट ऑन हो गया, विच मीन्स कि आपका जो हाई बीम है वो ऑन हो चुका है, और आप जब पास इंगेज करोगे ना तब भी ये ग्लो करता है लाइक दिस. इग्निशन को ऑफ करके ऑन करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि क्या क्या आइकन्स आपको मिलते हैं. ऑल राइट, तो ये ABS का लाइट अभी जल रहा है, विच मीन्स कि ABS अभी इंगेज नहीं है बिकॉज लाइट अभी ऑन है. से आप यू नो 5 का स्पीड क्रॉस करते हो या फिर 10 का स्पीड क्रॉस करते हो, आपका जो ABS है वो काम करना शुरू हो जाता है, इंगेज होना शुरू हो जाता है. तो ये हो गई इंजन मैल फंक्शनिंग की बात. न्यूट्रल है ये वाला, ये है ABS, ये आपका हेडलाइट ऑन हो चुका है. एंड ये जो ब्लू लाइट है ये वही इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो हेडलाइट है, जो आपका हाई बीम है, वो ऑन हो चुका है. तो ये सारे आइकन्स आपको बाहर में मिलते हैं, जिसको भी हमने डिस्कस करा है. अभी हमने बात करी है अबाउट ऑल द आइकन्स, ऑल द लोगोस विच इज़ आउटसाइड द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर. अब बात करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर क्या क्या मिलता है. आपको जनरली सारे बेसिक फीचर्स मिल जाते हैं, लाइक टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, टाइम, सर्विस अलार्म, न्यूट्रल एंड गियर शिफ्टर इंडिकेटर, ब्राइटनेस कंट्रोल आपको मिलता है, टाइम कंट्रोल आपको मिलता है, इवन ट्रिप ए, ट्रिप बी, एंड बैटरी का वोल्टेज भी शो करता है, जैसे ये शो कर रहा है. सो दैट्स इट. और क्या नहीं मिलता उसके बारे में डिस्कस करते हैं. इसमें आपको नहीं मिलता वो है दो फीचर मेनली. एक तो आपको इसमें माइलेज इंडिकेटर नहीं मिलता, दूसरा जो फीचर है वो है फ्यूल रेंज इंडिकेटर. इजी लैंग्वेज में कहे तो फ्यूल रेंज इंडिकेटर का मतलब यही होता है कि आप यू नो जो मान लो आपकी गाड़ी में 2 लीटर का पेट्रोल है, तो उस 2 लीटर के पेट्रोल में आप कितनी दूर तक यू नो क्रूज़ कर सकते हो, कितनी दूर तक ट्रैवल कर सकते हो, तो वो भी देना चाहिए था, वो उसमें मिस आउट है. एंड यार माइलेज इंडिकेटर तो देना ही चाहिए था, वो भी नहीं है इसमें. तो ये दो फीचर्स में नहीं है, लैक करती है, एंड थोड़ा डिसअपॉइंट भी करा है. बिकॉज यार अगर मैं कंपेयर करूँ इसी की सिबलिंग से, जो इसी की फैमिली से आती है, विच इज़ SP125, तो उसमें यार इतना ज़्यादा प्राइस डिफरेंस है. बट उसमें आपको ये दोनों फीचर मिलते हैं, आपको उसमें माइलेज इंडिकेटर भी मिलता है, आपको उसमें फ्यूल रेंज इंडिकेटर भी मिलता है, जो इसमें नहीं मिलता. प्रीमियम सेगमेंट की बाइक है, ये बेसिक से फीचर देने चाहिए थे. आपको हैंडल बार पर क्या क्या मिलता है. राइट हैंड साइड में आपको मिलता है इंजन किल स्विच, हैजर्ड वाला स्विच, जो कि हर गाड़ी में होना चाहिए, मेरा पर्सनल फेवरेट फीचर है ये वाला. उसके बाद मिलता है आपको यहाँ पे इग्निशन का स्विच मिलता है आपको यहाँ पे. एंड लेफ्ट साइड की बात करें तो आपको ऑब्वियस सी बात है हेडलाइट का स्विच मिलता है, हाई बीम लो बीम आपको यहाँ मिलता है, पास ओके. फिर आपको मिलता है यहाँ पे इंडिकेटर, लेफ्ट एंड राइट, उसके बाद आपको मिलता है हॉर्न, दैट्स इट. तो ये सारे इसके जो भी हैंडल बार में जितने भी बटन्स थे, जितने भी कंट्रोल्स थे, वो मैंने आपको बता दिए. एज ऑफ नाउ गाड़ी में कोई मोड्स नहीं आते, राइडिंग मोड हो गया, फिर इकोनॉमी मोड या स्पोर्ट मोड, ऐसा सच बोल के कुछ नहीं है, बिल्कुल रॉ है. बस फ्यूल डालो, गाड़ी चलाओ, दैट्स इट, ऐसे ही हिसाब है एज ऑफ नाउ. एक और मुझे बात बतानी है कि जब गाड़ी को आप मॉर्निंग में स्टार्ट करोगे ना, तो जो आइडियल RPM है ना वो रहेगा बिटवीन 2500 से 3000 के बीच. तो टेंशन वाली बात नहीं है,
ये मैन्युफैक्चरिंग से ही ऐसा गाड़ी आ रहा है। गाड़ी यू नो थोड़ा सा नॉइज़ करती है जब इनिशियली स्टार्ट करते हो ना, आफ्टर यू नो आपने मॉर्निंग में स्टार्ट करा या फिर आपने एक प्रॉपर हॉल्ट के बाद 2-3 घंटे के बाद आपने वापस से गाड़ी को शुरू किया ना, तो जो RPM है वो 2500 से 3000 के बीच रहता है, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि आप गाड़ी को जब भी मॉर्निंग में शुरू करो तो एटलीस्ट 2 से 3 मिनट कोल्ड स्टार्ट करो। बेसिक सा रूल है, बेसिक सी चीज़ें फॉलो करनी होती हैं, हम लोग फॉलो नहीं कर पाते, कुछ घबराने वाली बात नहीं है, इट्स नॉर्मल। आप यू नो जब भी मॉर्निंग में स्टार्ट करते हो बाइक को, आइडियली आप 5 मिनट के लिए गाड़ी को छोड़ दो स्टार्ट करके, एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। सो दैट्स प्रीटी मच ऑल वी हैव इन दिस वीडियो फोक्स, होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। दिस इज क्रोम वाइज साइनिंग ऑफ, होप टू सी इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।